मैं विचार रखता हूँ सेशन के लिए, प्लीज। शारदा प्रसाद जी आप रहे थे पीछे, ना यू 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 कैन पुट योर व्यूज प्लीज। आप कुछ ब्रीफ करिए इसमें। देखिए ब्रीफ में ये जो हमारा एकेडमिया सेशन था, आप उसमें हम लोग जुड़े नहीं थे, मैं जुड़ता रहता हूँ। एजुकेशन पॉलिसी में ये था कि नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 हमारे लागू होने वाले 2023 से, और अभी इसमें कहा कि आप सजेशन दीजिए कि जो COVID-19 में भारत सरकार के जो मिनिस्ट्री ऑफ एसआरडी है एजुकेशन में, और रमेश पोखरियाल जी ने ये कहा कि हमको अपने सजेशन दीजिए, उस समय सजेशन मांगे थे, और ये कैसे हमारे लिए हानिकारक है। मेरा कहना क्या है, वो ट्रेडिशनल नॉलेज की जो है बात लागू से करने जा रहे हैं, जो पहले हमारा शास्त्रार्थ था जिसका हम विरोध करते हैं, पीबीएसपी विरोध करती है कि शास्त्रार्थ एंड जो धर्म रिलीजियस है दैट शुड नॉट कम इनटू योर सिलेबस। और जो चूंकि ये मानना है कि जो बच्चे का माइंड है 6 साल और उसके 11 साल और 16 साल इन स्टेज में सबसे पहले ग्रास्प करता है कि वो क्या पढ़ रहा है, क्या सीख रहा है, उसके इम्प्रेशन पड़ता दिमाग में और वो जिंदगी भर के लिए उसी में बैठ जाता है। तो क्या हमको इस पॉलिसी से लाभ है, कैसे नहीं है, तो हमारा क्यों, हमारा कॉमन एजेंडा क्या होना चाहिए, कॉमन हमारे जो है जो हम लोगों को बताया गया था कि इसमें जो एकेडमिया ग्रुप है हमारा पीबीएसपी का, उसमें पीआर सर डिटेल में बताएंगे कि इसको हम लोग कैसे किन किन बिंदुओं पर हम लोग विरोध करें या सजेस्ट करें। ये ग्रुप में अलग अलग हमारे जो ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से या राइटिंग के माध्यम से एक कॉमन एजेंडा जाके भेजा जाए। मैंने कॉमन एजेंडा बना के भेजा डॉक्टर सुरेश बाबू को, पीआर सर के आज उनकी मेयर पर चला जाएगा। हम सुबह इसमें बनाए थे, हमने जो मनिका उनको मखलाल जी से डिस्कस किया, बोले नहीं तुम जो कर रहे हो ठीक कर रहे हो, लेकिन मेरा जो आपका कहना वही सही रहेगा, लेकिन इंडिविजुअल एक्सपीरियंस जो है शेयर होना चाहिए, वो भी आएंगे ज्वाइन करेंगे। तो ये है कि हमको यदि एजुकेशन पॉलिसी नहीं है तो आप जो देख सकते हैं नेट से, लेकिन हम लोगों ने जो देखा है अभी तक कि हायर एजुकेशन के केसेस में उन्होंने पीपी मोड डाला है, पब्लिक प्राइवेट वाले, प्राइवेट वाला किसी समय भी आपको डिग्री दे या ना दे ये भी चीज है, और कंपल्सरी एजुकेशन का था हमने ये बिंदु लिया है, कंपल्सरी एजुकेशन साथ में लिया है कि जो हमारी डेवलप कंट्रीज की जो एजुकेशन फिलोसफी एंड पॉलिसी है वो हमारे यहाँ लागू होनी चाहिए, ताकि हम ये हमको अपने क्यूरिकुलम से और अपनी पॉलिसी से गुलाम ना बना सकें। जो एक चल रहा है कि आज की डेट में जैसे चल रहा है कि जॉब नहीं दे रहे हैं, पोस्ट खाली है। अभी मेरे को कल पता लगा हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, मैं मुख्यालय गया था अपने एचओडी के यहाँ, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये कहा कि जो आप लेबर के केस में शिफ्ट कर रहा हूँ कि ये आप जो है सर्विस प्रोवाइडर से रख रहे हैं, यदि आपके पास पोस्ट है तो उनको भरिए। तो गवर्नमेंट को जब तक हम लोग नहीं लिंक करेंगे, वो करेंगे लिख पढ़ करेंगे, तो वो अपने मनमानी करती रहेगी। तो यही एजुकेशन पॉलिसी में होगा, यदि हम नहीं है तो अपने हिसाब से लागू कर देंगे। तो वी हैव टू गो इन डिटेल, दिस इज इन नटशेल। बाकी मैं जो जब एलोबरेशन होगा की पॉइंट्स में, ये पीआर सर के माध्यम से और चीज जाएंगे, क्योंकि वो इनके अलग अलग ग्रुप में टच में बीच में रहे हैं, तो मैं बीच बीच में ज्वाइन कर लेता हूँ, क्योंकि एकेडमिया ग्रुप का जो है और अलग अलग हमारे माइंड ग्रुप है, इंजीनियरिंग ग्रुप है, ये क्या हम लोग अपने अपने ग्रुप को इंडिपेंडेंट कर दिया है, एज एडमिनिस्ट्रेटर्स हमको क्या करना चाहिए, ये चीज आती है, इसमें हमको विचार करना चाहिए। ये हमारा ये भी कहना है कि कहीं देर ना हो जाए, इसलिए हमको वी शुड नॉट बी कैप जस्ट अपने को एक बॉक्सिंग में, वी शुड ब्रिंग अवर थॉट एंड विजन इन मेन स्ट्रीम, एक्सपीरियंस शेयरिंग होना चाहिए। प्लीज योर कमेंट्स। जहाँ तक एजुकेशन टू ऑल की बात है, एजुकेशन तो जरूरी है, लेकिन हमने पहले भी कहा था क्वालिटी एजुकेशन बहुत जरूरी है। मेरा पार्टनर इस बात रोक दे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के इसमें यदि है बात, तो भी ये पहले 2-3 बार डिस्कस हुई थी, ये 25 तारीख को लास्ट डेट है, तो मैं सोचता हूँ कि यदि एजुकेशन तो मस्ट है, क्वालिटी एजुकेशन मस्ट है, स्पेसिफिक यदि हमारे कोई आपके हों तो उसमें आ जाना चाहिए, या हमको मेल पे भी बाद में भेज सकते हो, दैट इज अवर प्रायोरिटी, वन शुड कंट्रीब्यूट इट, ये हमारा कहना है। हमने ग्रुप में डाला है, और चूंकि हम लोग इसको जो है टाइप नहीं करा पाए, मैंने मेल पे ऐसे भेजा, मैं आपको जो हमने सजेशन दिए हैं अपने आपस में ग्रुप में, उसमें फिर हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं,
आपका व्यू जाएगा, बाकी लोगों का व्यू जाएगा, तो हम लोग उसको सबमिट कर लेंगे। लेकिन ये हमारा कहने का इस ओर मेरा एम्फेसिस करने का है। बाकी इन जनरल हमारी जो बात है क्वालिटी एजुकेशन वाले केसेस में, लेकिन जैसे मैंने कहा था कि प्राइमरी लेवल पर जो है इनका एजेंडा ये है कि ट्रेडिशनल एजुकेशन को लाना चाह रहे हैं। तो ये मेरे मोटा मोटा मतलब मैं की पॉइंट्स बता रहा हूँ। ट्रेडिशनल नॉलेज, ट्रेडिशनल जो हमारी थिंकिंग है, जो उनका व्यवसाय वाला टाइप का था, उस टाइप को लाना चाह रहे हैं, अपने हिसाब से वो सिलेबस बनाना चाह रहे हैं। जैसे आज की डेट में है, हमने उसमें एक स्टेट का भी विरोध किया था कि रिलीजियस एंड शास्त्रास ये इनकी स्टडी शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द प्राइमरी लेवल, स्पेशली प्राइमरी लेवल पर यदि हमको धर्म और शास्त्र पढ़ाए जाएंगे तो वो बच्चे के माइंड में वैसे ही बैठ जाएगा, इंस्पायरिंग होता है, इनकलकेट करेगा फिर वैसे कि हाँ भाई ये तो हमको पढ़ना। जैसे कि आज की डेट में हमारी न्यू जनरेशन है उसमें वो जी, आप एक्सप्लेनेशन में समय ज्यादा ले लेंगे, लोगों के विचार आने दीजिए, क्या बोलना चाहते हैं सबने, मतलब अभी सब्जेक्ट चार पांच बार हो चुके हैं तो लोगों को मालूम है। ठीक है, हमें गवर्नमेंट को क्या सजेस्ट करना चाहिए और हम अपने समाज के लिए क्या सजेस्ट कर सकेंगे, ये दो एंगल से विचार करना है। कीजिए एजुकेशन ओवरऑल सिस्टम हम किस प्रकार से सजेस्ट कर सकते हैं, आप लोग ने अभ्यास किया नहीं किया हम इसके बारे में नहीं जानना चाहेंगे, अभ्यास सभी ने करना चाहिए, स्टडी आप करेंगे तो बेटर सजेशन दे सकेंगे। एजुकेशन पॉलिसी को हम सभी जगह सभी ऑपरेशन में डिस्कस कर रहे हैं, डॉक्टर भी, इंजीनियर्स भी, एकेडमिशियन भी, एडमिनिस्ट्रेटर भी, अभी केवल दो जगह वो डिस्कस नहीं हो पा रही, जस्टिस में और डॉक्टर्स में, बाकी तीन जगह काफ़ी एक्टिवली डिस्कस हो रही है। आप लोग अपने ओर से व्यूज के जो सजेशन आ रहे हैं वो सारे इंक्लूड करना चाहिए, जो भी सजेशन आप लोगों से आए और उसको आप लोग ड्राफ्ट में कन्वर्ट कीजिएगा, जो भी सजेशन अलग अलग साथियों से आए वे हमारी ओर से ये है, जरूरी नहीं कि वो सारी चीज़ें आपसे हम हो जाएंगी, हम लोग इसको यहाँ पर और डिस्कस करेंगे। कल का दिन हमारे पास है, मैं यहाँ पर और साथियों से बैठकर चाहूँगा ड्राफ्ट तैयार हो और फिर आप लोगों को कम्युनिकेट भी होगा कि हम क्या भेज रहे हैं। आप लोगों से विचार जितने आ रहे हैं आने दीजिए, क्योंकि हर एक का अपना अपना अनुभव है, वो चाहेगा कि सजेशन कीजिए तो सीरियस मानेंगे कि हाँ ये हमारे समाज के लिए हमारे देश के हित में है। रमेश, हाँ इसमें एजुकेशन पॉलिसी तो चलो ये बनी रही है, भारत सरकार जो बना रही है उनका तो अभी ये मान के चलो कि भाई वो तो उन्होंने फाइनल करने की शेप में होंगे, वो कितने सुझाव मानेंगे नहीं मानेंगे वो तो बात की बात है, भेज तो सकते हैं। तो नहीं सर, इसमें मैं सर कह रहा हूँ अभी उनको सुझाव का 25 तारीख तक भेजना है, उन्होंने मांगे सुझाव। हाँ ठीक है ठीक है, वो भेज देंगे राइट है, बट ये है कि चलो देखते हैं कितना वो, क्योंकि उन्होंने तो फाइनल कर रखी है, लगभग ये होगी, चलो फिर भी हमें अपना तो रखना चाहिए। ये जो है पंजाब में एक, वैसे बेशक वो अकाली गवर्नमेंट ने चलाया था, मेरिटोरियस स्कूल्स, इसमें वो 10th 11th और चार क्लासेस करते हैं, 10th 11th प्लस वन प्लस टू, इन्होंने यहाँ चलाया था वीकर सेक्शन के लिए, जो मेरिटोरियस बच्चे हैं जिनका 60% से या 70% मार्क्स आते हैं उनके टोटल फ्री एजुकेशन दे रहे हैं यहाँ पे, और उनका बहुत बढ़िया सब खाना वाना एवरीथिंग इज फ्री, सो रुकने का फ्री है, उनकी एक्सरसाइजेस वगैरह के लिए है, वो बड़ा एक मॉडल टाइप का, ये वदावन जी को भी पता होगा, यहाँ पे सेटअप है हमारे बिल्कुल जड़ में ही है मेरिटोरियस स्कूल, वो बिल्कुल लाइन में चलते हैं। जैसे कि देखो ये जो एजुकेशन है ना, कुछ हद तक ये थोड़ी कंट्रोल में ही बच्चे को अगर पढ़ाया जाए थोड़ा वो बेटर, कंट्रोल इन द सेंस के जैसे आजकल मीडिया बहुत इधर उधर की चीजें बताता है और घूमना फिरना बाजारों में एंड ऑल दैट, उससे वो अंकुश लगाता है थोड़ा सा उनको, मतलब एक सॉर्ट ऑफ मिलिट्री तो नहीं कहूंगा, उसी टाइप का थोड़ा सा वो एजुकेशन यहाँ पे चला रखी है एक, वो मतलब के वो एज सच उस मॉडल को इसमें सम्मिलित किया जा सकता है, इस पॉलिसी वो पॉलिसी कह लो या क्रियान्वयन कह लो इसको, ये मेरिटोरियस स्कूल्स यहाँ बने हैं, इसका वैसे नेट से और निकाल सकते हैं, और इसमें बहुत संख्या में लोग आते हैं, मतलब के वीकर सेक्शन इसमें है जिसका के आमदन वगैरह थोड़े कम उसका लेवल है एक उस स्केल तक, तो कहने का मतलब ये तो एक तो ये पॉइंट हो गया मेरिटोरियस वाला। दूसरा है वैसे इनमें इस एजुकेशन पॉलिसी में शायद प्राइमरी एजुकेशन टोटली लोकल लैंग्वेज में है, ये तो उसका प्लस पॉइंट है थोड़ा सा, अब आप देख लेंगे, मेरे तो मैंने पढ़ा थोड़ा सा ये है शायद, उसके बाद मेरे ख्याल हम लोग याद आपको याद होगा छठी से ही इंग्लिश लगा करती थी पहले,
अब ये पहाड़े बच्चे अगर पहली से टू टू जा टू थ्री जा पढ़ेंगे और कभी नहीं उनको फिट बैठते तो कुछ हद तक तो चलो ठीक ही है उनका। बाकी नेक्स्ट तो अब इसमें पॉलिसी में सिलेबस बनाना एंड ऑल दैट, वो तो कमेटियां बनेंगी और जो वो करते हैं। तो इसमें सुझाव मेरे ख्याल मेरिटोस का ले सकते हैं। मैं और भी लिखूंगा इसके बारे में, लिख के भेज दूंगा आपको ईमेल। एंड मेरे ख्याल में ये कुछ इस तरह के पॉइंट हैं। बाकी पॉलिसी में तो बड़ा डिटेल आगे लंबा चौड़ा प्यार रखा है उन्होंने। आपकी वो बात सही है कि अगर इन्होंने रख लिया है कि धार्मिक ये पढ़ाएंगे शुरू में, अब उसको ये कहाँ ये हटा पाएंगे? नो, ये तो आरएसएस का उनका एजेंडा वंडा है मेरे ख्याल में। अब वो थोड़ा देखते हैं। एनीवे चलो और विचार ले लेते हैं हमारे जो मेंबर्स हैं बाकी। धन्यवाद प्लीज। नॉट ऑडिबल। ओके बतावन जी। रमेश जी तो मेरे को लगता मैं क्योंकि लगातार पिछली बैठक से काफी दिन से गायब हूँ, मैं बहुत ज्यादा इसमें इन टच नहीं रह पाया हूँ। तो मैं आपको लेकिन जो अपने सजेशंस हैं वो आपको मैं मेल पे कर दूंगा मैं। ओके। लेकिन ये इतना मैं कहना चाहता हूँ कि जो प्रयास वो आपका अच्छा प्रयास है जो कर रहे हैं आप लोग, लेकिन ये प्रेजेंट सरकार जो है वो अपना लोगों की सहमति हो या नहीं हो उससे उनको कोई बदर नहीं करते। वो एक खास आइडियोलॉजी उनकी है, आरएसएस की आइडियोलॉजी है। आपको क्या पहनना चाहिए, क्या खाना चाहिए, आपको कैसे बोलना है, वो सारा वो डिसाइड करते हैं कुछ लोग। बाकी मैं इस बात से पक्का मैं विश्वास है कि आप सजेशन दे दीजिए जो आपका एक राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आपको सजेशन देने का, लेकिन वो उन्हें जो बनाना वो फाइनल है वो नहीं मानेंगे। हम बैठ के लिख रहे हैं, सभी लोग हैं, बुद्धिजीवी है, उनको सजेशन पुलंदा दे रहे हैं, लेकिन देखिए जो लोग बाहर बैठे हुए हैं, जो सड़कों में बैठे हुए हैं, 60 दिन से बैठे हुए हैं, लाखों लोग हैं, वो उनकी बात भी सुन रहे हैं। ये हम एक नई दुनिया में एंटर कर चुके हैं जिसमें आरएसएस ने एक अपना दुनिया तो आपकी कब्जा कर लिया है। आप जहां कोई डाइसेंट की जगह नहीं है, कोई डाइसेंट की जगह नहीं है। इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा इस बात से ये जो हॉल्स हैं, हॉल से बाहर निकले देखना होगा। वो इतनी ताकतवर एक कौम है पंजाब में, सिख लोग जो है जिसका पूरे विश्व में लोग फैले हुए हैं, वो अपनी बातों को मनवाने के लिए उनके एडी पसीने के जोर लगा दिए इस मोदी सरकार ने। तो बाकी जब हम पे हमला होगा तो हम उसको कैसे बचा पाएंगे? आई डाउट हम इतना सस्टेन कर पाएंगे। हम तो एक हफ्ता सस्टेन नहीं कर पाएंगे। आज मैं आर्टिकल पढ़ रहा था इसका, मिस्टर गुप्ता का, शेखर गुप्ता का, तो उसने साफ लिखा है कि ये जो जैसे मुसलमान लोगों के साथ में किया है ऐसा इनके साथ कर पाएंगे, संभव नहीं है। ये समाज मानता है, पूरा इतिहास सारे भी लोग मानते हैं, लेकिन हम लोगों को अब जो हम लिखा पढ़ी की बातें बिल्कुल ठीक है, लेकिन लिखा पढ़ी से ज्यादा अब हमारे हकों के लिए लड़ाई का मौका आ चुका है। हमको बाहर निकलना पड़ेगा, हम लोगों को ऑर्गेनाइज करके हमको ग्रुपों में स्ट्रगल करना पड़ेगा, वो ज्यादा ज्यादा जरूरी है। राइट। आप देखो ना, अब मैं एक दिन मैं लेट मी शेयर, अगर आपको मुझे अलाउ करें 2 मिनट देने के लिए, मैं वॉकिंग पे जाता हूँ तो वॉकिंग गया मेरे घर के पास में, रमेश मस्ट बी नोइंग द प्लेस, वो गुरुद्वारा एक है, तो बड़ा गुरुद्वारा है। तो मैंने देखा आउट ऑफ क्यूरियोसिटी के जो बस लगी हुई है, तो मैंने उनसे पूछा कि बस की आज शाम को वापस वहां दिल्ली जाके नेक्स्ट डे वापस आ जाती है? वो कहता जी ये बस वहां दिल्ली में जाती है, ये बस लोकल जाती प्रचार करने के लिए, लोगों को उसमें लिखा हुआ बैनर किसान मोर्चे में चलो, लोगों को इनकरेज करने के लिए भी जाओ जाओ जाओ। देखिए इन लोगों के वॉलंटियर्स जो है, आरएसएस के वॉलंटियर मोटा मोटी 130,000 कहते हैं जो मैंने सुना हुआ है, लेकिन पंजाब में अब एवरी बॉडी इज ए वॉलंटियर, हर घर में एक बंदा वॉलंटियर है। तो हमको भी कुछ समाज को इस तरह करना पड़ेगा कि आने वाले हकों में मानने वाले हैं नहीं है, वो तो हमको सबसे कमजोर हमको मानते ही है। अगर ये भी सरकार ये भी गिर जाते हैं तो फिर हमारा फ्यूचर क्या होगा, ये आप देख लीजिए, फिर अपना सोचिए आपके बारे में क्या है। वो आपको बड़ी आसानी से पढ़ के हम मार देगा, कोर्ट आपको सुनने को तैयार नहीं है, कोर्ट आप अलग डायरेक्शन में आपको ले जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनली की कोर्ट बात नहीं कर रहा है, कोर्ट कहता नहीं भाई आप बताइए मैं इन्वर्ट क्या कर सकते हैं, तो आपकी संस्थाएं आप कहां से राहत लेंगे? आप
राहत सिर्फ आपको एक जगह से मिल सकती है, वो आपको अपने आप से मिल सकती है, अपने समाज से मिल सकती है, आपके संगठनों से मिल सकती है, आपके संघर्ष से मिल पाएगी। मैं तो लास्ट टाइम भी मेरा यही जो मैं आपसे अपील करना था, मैं तो अब भी वही अपील करूंगा, क्योंकि अब समय बहुत अंतर है, हम इसको चेंजेस बहुत ज्यादा आ चुकी है, बहुत चेंजेस आ रही है, पहले से इसका अंतर बहुत ज्यादा हो चुका है। जो लोग ओपनली कर रहे हैं अब इनको कोई मतलब नहीं, जो समझ रहे हैं कि भारत जो हिंदुस्तान जो है 1947 में आजाद नहीं हुआ, 2014 में आजाद हुआ है, और बीजेपी की सरकार जो आरएसएस सरकार पहली सरकार है भारत में, और जो चाहे वो कर सकती है। तो थोड़ा सा उस तरीके से सोचिए, अब स्ट्रगल के मूड में भी थोड़ा सा हम लोगों को रहना पड़ेगा, बाकी तो एक सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल से हम लोगों को बाकी लेटरल कोलैबोरेशन करने भी जरूरी है स्ट्रगल के लिए। जी जी रमेश, थैंक यू, थैंक यू ब्रदर। अहिरवार आप सुन रहे हैं, थोरात सर ज्वाइन किए पता नहीं, और बीआर अहिरवार थोरात ज्वाइन नहीं किए? हाँ ज्वाइन किए थे, अभी तो नहीं दिखाई पड़ रहे लिस्ट में, तो नहीं मुखनलाल चंद्र प्रसाद जी हैं, ज्वाइन किए थे मैंने देखा, ज्वाइन किए थे लीव कर रहे हैं रास्ते में, तो चलिए अहिरवार का भी वॉइस नहीं आ रहा है। मुखनलाल जी आप इसमें कुछ कहेंगे प्लीज, रात तो हमारे बात हुई थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर जो, हेलो आवाज आ रही है पैटर? हाँ आवाज आ रही है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे जो लोग सुबह डिस्कस कर रहे थे, योर कमेंट्स प्लीज। अब देखिए मैं तो इसके लिए जो नई पॉलिसी है कोई खास चेंज नहीं आया है, इनिशियल स्टेज में लड़के कायदे से नहीं पढ़ पाएंगे, तैयार नहीं होंगे, उनको जो है कुछ साइंस का गणित का ज्ञान ज्यादा देना चाहिए, लेकिन इस पे सरकार का इसमें कोई काम, यही मेरा कहना। एंड बच्चे शारदा जी से बात हो गई थी, शारदा प्रसाद जी आपका वीडियो चला गया? हाँ आपका वीडियो चला गया। ये जहां तक एजुकेशन पॉलिसी का सवाल है, हमें इंसिस्ट करना पड़ेगा प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन मैं प्राइवेट स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ जो वहाँ अफोर्ड कर सकते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो गांव में प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी एजुकेशन हो रहा है, गांव के बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, उसमें मैक्सिमम लोअर क्लास के बच्चे जाते हैं, जो भी अफोर्ड कर सकता है वो प्राइवेट स्कूल में भेजता है, पब्लिक स्कूल आजकल बोलते हैं उनको गाँव में, लेकिन प्राइमरी स्कूल जो गवर्नमेंट के हैं उसमें आप ज़्यादातर देखिए तो गांव के वही पहुंच जाएंगे जिनको कि मिड डे मील्स की ज़रूरत है, पढ़ाई उढ़ाई कुछ नहीं होती है, जहां तक मेरा ऑब्जर्वेशन है, दो टीचर रहते हैं उसमें से एक आता है, एक 15 दिन के लिए गायब रहता है, दूसरा फिर 15 दिन गायब हो जाता है, वो लोग आए टाइम पास किए और जैसे समय बीता चले गए, क्योंकि उनका रूटीन ये हो गया है, तो इस चीज़ के लिए हमें हाईलाइट करने की ज़रूरत है कि प्राइवेट स्कूल को बढ़ावा न दे करके हमारे प्राइमरी एजुकेशन को स्ट्रांग करें। प्राइवेट स्कूल मैं जहां तक समझता हूं कि एलिमेंट्री लेवल पर, प्राइमरी लेवल पर या मिडिल लेवल पर जहां तक हो सके मैक्सिमम गवर्नमेंट स्कूल अच्छे हों, गवर्नमेंट स्कूल स्ट्रांग हों, बच्चे वहां अच्छे निकलेंगे, अच्छे निकलेंगे तो आगे चल करके उन्हें खुद खोजना पड़ेगा कि प्राइवेट अच्छा है या गवर्नमेंट कॉलेज अच्छा है। अगर प्राइवेट स्कूल प्राइवेटीकरण ही करना है इनको तो गवर्नमेंट स्कूल पर कोई ध्यान नहीं देंगे, न तो दिया जा रहा है। हमारा पहला स्ट्रेस मैं जहां तक समझता हूं कि ये जरूरी है कि
प्राइमरी एजुकेशन को स्ट्रांग किया जाए, क्वालिटी इसको एजुकेशन दिया जाए, क्योंकि वहां पर बच्चे गांव के आते हैं, लोअर समाज से आते हैं, उनको अगर आगे निकलना है तो प्राइमरी एजुकेशन बहुत जरूरी है। दूसरा है कि धार्मिक चीजें, जहां तक मैं पढ़ता रहता हूं उसमें धार्मिक चीजों को किताबों में सिलेबस के रूप में लाना, किताबों में इंट्रोड्यूस करना, और जो हमारे स्वतंत्रता संग्रामी लोग हैं या और क्वालिटी वाली चीजें हैं उसको निकाल करके धार्मिक एजुकेशन को बनाने की कोशिश की जा रही। अगर धार्मिक एजुकेशन ही पढ़ना है हमको तो हम फिर पीछे बाबा साहब के पहले वाले जमाने में चले जाएंगे। इसलिए धार्मिक एजुकेशन जहां तक हो सके हमको, हम अपने तरफ से नहीं मानेंगे, वो तो उनको जो करना, जैसा बधावन ने कहा कि उनको जो करना है वो करेंगे, लेकिन विरोध करने वाले या उसको न मानने वाले लोगों को भी होना जरूरी है। इसलिए इन चीजों को हमें इंडिकेट करने की जरूरत है, बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा उसको देखा जाएगा। तीसरा चीज है कि हायर लेवल पर मैक्सिमम प्राइवेटाइजेशन कॉलेजों का जो किया जाएगा वो प्राइवेटाइजेशन न होकर के गवर्नमेंट लेवल पर ही कॉलेजों को स्ट्रांग बनाया जाए। तमाम इंस्टीट्यूशंस खोले जा रहे हैं, अगर वो इंस्टीट्यूशन को अच्छा चलाना है तो गवर्नमेंट कॉलेज से अच्छे बच्चे निकलेंगे। प्राइवेट कॉलेजेज में सब लोग नहीं जा सकते हैं, सब लोग एजुकेशन नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अगर प्राइवेट में बच्चे नहीं जा पाए, उनका एजुकेशन क्वालिटी अच्छा नहीं होगा तो हायर एजुकेशन लायक नहीं होगा, हायर एजुकेशन में उनको दाखिला या हायर एजुकेशन में एंट्री मिलना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को, चाहे वो प्राइमरी लेवल पर हो, मिडिल लेवल पर हो, इंटर लेवल पर हो या हायर लेवल पर हो, उसको स्ट्रांग करें और क्वालिटी एजुकेशन पर ज्यादा जोर देने की आवश्यकता है। इस पर विचार करने की जरूरत है और हम सभी लोगों को इस पर सोचना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू बटन एडवर्ड जी, आप सुन रहे हैं एडवर्ड जी? रमेश नॉट एबल टू कनेक्ट। हां, जैसे अब सजेशन भेज रहे हैं, पता नहीं अब ये तो हमारा PBSP ही इसको फाइनल करेगा कि जैसे थिंकिंग स्किल पे तो बहुत बड़ी चीज है, पर वो कहां अडॉप्ट करेंगे इसको? हम कहेंगे थिंकिंग स्किल का सब्जेक्ट लगा दिए, सजेस्ट किया है स्किल का आगे सब्जेक्ट वो लगा देंगे, सजेस्ट किया है सर, तो देखो भेज देंगे। हां सजेस्ट करना है, देना पड़ेगा थिंकिंग स्किल वर्क, ये है ना, मतलब ये देख लो, बड़ा बड़ा कॉशियसली देखना पड़ेगा कोई मिसयूज ना हो जाए इसका। मिसयूज तो नहीं सर, मैं रिवाज सर लग रहा सुन नहीं पा रहे हैं, जो नेट है उनका नहीं है। मैं यहाँ सर की अनुमति से अभी जो की लोग जो आए हैं उनके व्यूज आ गए, मैं अपना एक व्यूज सर देना चाह रहा था। ओके। मैंने जो है अभी सुरेश बाबू थे हमारे साथ, वो एक डॉक्टर है, उन्होंने कुछ अपने पॉइंट रखे थे, मैंने उनके ऐड करने में कहा था कि वी नीड सम मोर इन्फॉर्मेशन, तो उन्होंने वही कहा था कि हम लोगों के जो पहले भी मोटा मोटी डिस्कशन हुई थी कि जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन है, मैट्रिकुलेशन है और हायर है, इस नई एजुकेशन पॉलिसी में जो सिस्टम है पिछले वाले में, और इसमें चेंज क्या किया है 5-3-3-4, ये जो स्टेजेज हैं इसमें हमारा ये मानना है, जो हम लोगों को अपना एक्सपीरियंस गेन किया PBSP से, जोहन डबे साहब की जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी थी उसका हम स्वागत करते हैं कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ध्यान में रखते हुए लागू की जाए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल में क्या कि जो हमारे शिक्षा है, शिक्षा का राइट है, तो उसमें एक तो ये था कि पहले हमारी जो बेस है उसमें टीचर आता है, चाइल्ड आता है और क्यूरिकुलम आता है, सिलेबस आता है, और इसमें एक सिस्टम में एनवायरमेंट आता है। एनवायरमेंट में हम लोग स्कूल का तो बिल्डिंग कह दीजिए, तो यहाँ पे हमारा कहने का है उस एजुकेशन जॉन डबे साहब की जो डेमोक्रेटिक एजुकेशन है उस पे जो लिया है बेस, उसको हमको लागू करने के लिए करना चाहिए। और उसको हम लोग ऐसे कहा कि डेवलप कंट्रीज में, चाहे UK हो, US हो, उनकी एजुकेशन पॉलिसी है, इसको हमारे यहाँ पे लागू करें। तो एक तो हमने ये कहा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसमें जो है सिस्टम में, एक जो प्राइमरी एजुकेशन में जो अभी लोगों ने कहा कि वो मिड डे मील खिलाते करते, दैट इज द ड्रॉप आउट, उसको हम लोग कहते हैं ड्रॉप आउट जो सिस्टम है हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है।
हमारा जो एवरेज है एजुकेशन का लिटरेसी का 67% है। आपको मैं गोंडा बहराइच का बता रहा हूँ 43% है, 37% है। तो हमको जो बैकवर्ड एरियाज है या गोरखपुर की उधर बस्ती है, इनके केसेज में हम 67 तो बहुत अच्छा कह रहे हैं, और वहीं हम लोग 90 अबव जो है केरला की कह रहे हैं, तो कितनी वेरिएशन है। तो एक शब्द आया था लोकल लैंग्वेज, तो लोकल लैंग्वेज लागू कर रहे हैं। क्या तक पढ़ाएंगे आप, संस्कृत नहीं पढ़ाएंगे आप, मुझे बताओ, कंपलसरी करेंगे संस्कृत, तो संस्कृत का क्या स्कोप पे हम लोग जर्मनी जाएं, बच्चे जाएं वहां पे जाएं। आपका देख रहे उसमें है भाई वॉलंटियर होना चाहिए इफ यू रीड। आपने कहा उर्दू नहीं पढ़ाएंगे, तो उसने कहा उसको नहीं पढ़ाएंगे, तो ये रिलीजियस से जुड़ रहा है ना, ये मेरा ऐसा मानना है कि आपके डिवाइड कर यूनिटी को। दूसरे मेरा ये था कि माइंड ऑपरेशन वाला जो पॉइंट था बेटा, माइंड कैसे वर्क करता है बच्चे का इनिशियली, तो वो तेजी से 6 साल में बहुत ग्रो करता है, 6 साल में और 11 साल तक वो बहुत तेजी से जो भी चीज पढ़ाई जाएगी उसके माइंड में बैठ जाएगी। यदि हम अच्छा बोल रहे तो खराब बोल रहे तो वो उसका इम्प्रेशन पड़ेगा और उसको इमिटेट करेगा, नकल करेगा बच्चा आदमी। तो यदि वो चीजें हमारे यहाँ इसमें जो भी वो लागू ना करें, हमारा नोट तो आ जाएगा। तीसरे हायर एजुकेशन में मेरा कहना है कि वो पीपीपी मोड में लेकर रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। पीपीपी मोड में क्या होगा, आपको पीएचडी में डिग्री दें या ना दें, आपको डिप्लोमा कह रहे हैं तो आपको क्या होगा। तो जोटोवी साहब की जो एजुकेशन पॉलिसी थी या फिलोसफी, उसमें ये था कि हैंड्स ऑन लर्निंग, हमारी पूरी लाइफ में एजुकेशन का रोल होता है और वो हमारे लिए पे ही होना चाहिए, एजुकेशन लाइफ इटसेल्फ। तो हाँ, हम कैसे अपने को जोड़े, तो उसमें थिंकिंग स्किल जो मैं बात कर रहा था, टेक्निकल इनोवेटिव और जो हमारे ये है R&D जिसपे हम लोग करते हैं कि हमें आज की डेट में कितना अपडेट करेंगे वो आना चाहिए। ये इन्होंने कहा, हमने तो 1986 से आज 2019 में इन्होंने बनाया ड्राफ्ट, 23 से लागू होगा 86 से, तो उसमें कौन सी कमियां थी और हमारे लिए कितना है, तो वो बहुत माइन्यूटली देखना पड़ेगा। मेरा मोटा मोटा जो मैंने देखा है इसमें ये बात है, मैं और भी देखूंगा जो कि मेरा डेप्थ में नहीं गया ये है। तो एक मेरा लास्ट ये पॉइंट था कि जितने भी हमारी इकोनॉमिक है, भी फ्री एजुकेशन करें, इकोनॉमी हमारी बहुत खराब है विकल सेक्शन की, बहुजन समाज की, तो इकोनॉमी को कैसे करेंगे, बच्चे तो जाते नहीं, पढ़ा नहीं पाते, जो आप कह रहे हैं कि पब्लिक स्कूल में जाते, क्वालिटी एजुकेशन की बात आई, तो क्वालिटी एजुकेशन कैसे मिलेगी जब हमारा जो सिलेबस है, हमारे टीचर है, उनका टीचर का स्टैंडर्डाइजेशन हो, वो तो गवर्नमेंट करेगी। तो हमारे अपने बंदों में, हमारे बहुजन समाज में कहना चाहिए कि टीचर जो है, जो उनको ट्रेनिंग मिल रही है, उनको कहे कि भाई इसका आप विरोध करिए, ये आना चाहिए, उनके माध्यम से नोट होगा। तो जो बदावर सर का कहना है कि नहीं भाई हमारी बात माने नहीं, भाई हम तो विरोध करेंगे, पेपर पे विरोध करेंगे पहले, फिर सड़क पे विरोध करेंगे, तो वो बात की बात है, पहले हम पेपर पे विरोध करते हैं, वो चीज हमारी सारी आ जाए जिसमें कोई छूट नहीं पाए। तो यहाँ पर मेरा जो कंपनी एजुकेशन का था, US में अप टू 12th है, और वहां पर जो है जापान में ग्रेजुएशन तक का लड़कियों के लिए, बॉयज एंड गर्ल्स का। तो ये हमने कहा क्योंकि गर्ल्स की एजुकेशन नहीं आएगी, वीमेन एजुकेशन नहीं आएगी, तो यहाँ पे 33% पार्टिसिपेशन है कंपलसरी कर दिया, तो हम 33 की करें, हमारी 66% जो लेडीज हैं बहुजन समाज की वो कहाँ जाएंगी। तो हम कहते हैं वीकर सेक्शन के लिए, बहुजन समाज के लिए एजुकेशन जो है कंपलसरी करें 12th तक, ग्रेजुएशन तक। तो ये हम इस प्राइमरी क्यों करें या मेट्रिकुलेशन क्यों करें, ये मेरे पॉइंट थे। थैंक यू सर, मैं ओवर टू PR सर, इसके एजुकेशन पॉलिसी पे डिस्कस करें या हमको दूसरा जो पॉइंट हमने रखा था लेबर वाला उसको रखें सर। आप किसी भी जगह निर्णय पर नहीं पहुंच पाएंगे या सारे पॉइंट डिस्कस करोगे, एक ही पॉइंट पे डिस्कस करके कुछ कंक्लूजन लेके आ जाएं। ओके सर, नाउ मैं आपको ओवर टू सर, आप PR सर को कि वो उस पे अपना मतलब रखे। साथियों एक बात हमें ध्यान में रखना चाहिए कि पुंडियाल साहब ने जो 25 तारीख लास्ट सजेशन डेट डिक्लेयर की है, वो हमारे लिए नहीं कि पूरे देश के लोगों के लिए की है, और हम जैसे ना जाने उनके पक्ष के और विपक्ष के लोग इस प्रकार के सजेशन देने वाले होंगे। इस प्रकार के सजेशन हम अपने अनुभव के साथ साथ जिस मूवमेंट के साथ हम जुड़े हैं, जिसके आधार पे हम आज बड़े पले और पे बैक कॉन्सेप्ट लेके आए, उसके तहत अगर हम सोचें तो हमें कैसे दिखना चाहिए एजुकेशन, क्योंकि जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से आज प्रशासक रूप से आप देखेंगे तो तमाम 100% लोगों के लिहाज से हित में सोचने की बात है, लेकिन बहुजन समाज के हित में सोचने के लिए हमें
किस प्रकार से इस एजुकेशन पॉलिसी पर चोट करना चाहिए, सरकार माने या ना माने चोट होना चाहिए, और ये ही बहुत बड़ा विरोध हो जाता है। स्ट्रगल की शुरुआत भी यहीं से होती है कि किसी चीज का जिनाइन विरोध और गुलाम बनाने के लिए एजुकेशन ही सबसे बड़ा होती है, सबसे बड़ा साधन होता है। और जो सरकार जिस प्रकार की एजुकेशन पॉलिसी निर्माण करती है उस प्रकार का वो समाज निर्माण करती है। एजुकेशन पॉलिसी पर सोसाइटी का कंस्ट्रक्शन डिपेंड रहता है। अभी हम प्राइमरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन एक एक करके लेके जाएंगे तो हमारा कम से कम बहुत बड़ा चिट्ठा होगा कि ये सारे सजेस्ट गवर्नमेंट ने करना चाहिए। आप लिस्टिंग करेंगे तो आप अनलिमिटेड होते जाएंगे, स्पेसिफिक नहीं होते कि हम इनसे इतना सजेशन दे दें, दूसरों से अलग हटकर हो हमारा सजेशन। दूसरे लोग जो सजेशन करें अम्बेडकराइट मूवमेंट का सजेशन बिल्कुल अलग हटकर, और खास तौर से पे बैक टू सोसाइटी के माध्यम से जो हम एक्शन लेंगे उसमें हमारे जितने प्रबोधन के तरीके हैं, सोच विचार करने के जो तरीके हैं वो सारे के सारे कंसीडर किए जाएंगे, किए जाना चाहिए और उसको ध्यान में रखकर सजेशन देना चाहिए। मैं वाधवन साहब का बहुत अच्छा कि लड़ाई का मौका है, स्ट्रगल करना चाहिए पर स्ट्रगल तैयारी के साथ करना चाहिए। बिना तैयारी के स्ट्रगल लड़ना शुरू कर दिया जाए तो हम मूर्ख हो जाएंगे और समाज के सामने मूर्ख साबित होंगे, सरकार के सामने तो मूर्ख साबित होंगे ही, और एलाइड क्लास मूर्खता का काम नहीं करती बल्कि लोगों को दिशा और गाइडेंस देने का काम करती है। तो हम तैयारी के बाद स्ट्रगल करेंगे क्योंकि बिना संघर्ष के कुछ मिलता नहीं है। संघर्ष का तरीका हमारा वॉयलेंट नहीं होगा, नॉन वॉयलेंट रहेगा, तो वो आगे होगा तैयार पर, लेकिन तैयारी हमारी कहाँ है? संघर्ष की तैयारी अगर है तो हम बात कर सकेंगे, क्योंकि पूरे देश के अंदर कहीं भी हमें संघर्ष की तैयारी, हाँ सपन सर पर कफन बांध कर लड़ने गए, रोड पर चलाए मैं सरकार कैसा करूंगा वो करूंगा, ये कोई तैयारी नहीं होती। हमारे बहुत सारे लोग आंदोलन करते हैं और जेल चले जाते हैं, 10-10, 15-15 साल महीने तक जेल रहते हैं, वहां पर तकलीफ होकर आते हैं, बीमार होकर आते हैं, फिर संघर्ष करते हैं, ये लड़ने का तरीका नहीं। ये लड़ाई लड़ने का खास तौर से अम्बेडकराइट लड़ाई जो लड़ी जाए वो कामयाब हो, जो लड़ाई लड़ी जाए कामयाब। बाबा साहब ने जितनी भी लड़ाई लड़ी है नियोजन करके, तैयारी करके फिर लड़ाई लड़ी, महाड़ का सत्याग्रह हो तो उन्हें उसके लिए लगभग 6 महीने से तैयारी की थी, काला राम मंदिर प्रवेश का हो 3 महीने की तैयारी की थी, मनुस्मृति जलाने का जो 27 में निर्णय लिया उसके लगभग 4 महीने की तैयारी थी। तो बिना तैयारी के बात नहीं होती, और तैयारी में जागृति सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि हमारा समाज जागृत हो चले और हमारे साथ खड़ा होता रहे, हमारे साथ खड़े होने का, हमारे को सपोर्ट में आने का, ताकतवर बनने का, खास तौर से अपने अंदर की कमतरताएं को दूर करने वाला बने, ये चीजों पर ध्यान कहीं नहीं आ रहा है। ये सारे लोग हम बार बार प्राइमरी एजुकेशन के बारे में भी चर्चा करें, पब्लिक एजुकेशन, प्राइवेट एजुकेशन, इसके बारे में बहुत काफी स्ट्रेस हो चुका है। जो फैक्ट हमारे सामने ओपन है उसी को आप लोग चर्चा कर रहे हैं। मैं आपको रेल प्रशासन के सीनियर कुलीज समझता हूं, मानता हूं, और आपका अनुभव, सोचने का तरीका इनोवेटिव और क्रिएटिव होगा, ऐसी मेरी धारणा है, और मैं उस एंगल से आप लोगों से अपेक्षा कर रहा था। आप लोगों में से किसी ने भी, मेरे को ऐसा लगा कि किसी ने भी एजुकेशन पॉलिसी को पढ़ा नहीं, पढ़ने का साहस नहीं किया है या अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं की कि मैं पढ़ जाऊं। आप पढ़ने का क्रिएट करते, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते तो शायद कुछ एकेडमिशियन लोगों से भी बेहतरीन सजेशन आप लोगों के साथ आ सकते हैं, क्योंकि प्रशासन के पास सबसे पहले साधन होते हैं, वो साधन ढूंढ लेते हैं जो क्वालिटी आपकी है। बाबा साहब क्यों हमसे बोल रहे थे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दी, वो हम लोगों से बहुत कुछ बड़ी अपेक्षा कर रहे थे, एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, वो एक्सपेक्टेशन मुझे नजर नहीं आ रहा। अगर आप लोग
अभी 5-6 साथी बैठे हैं, हम लोग इस समय 7 साथी आईएएस आईपीएस लोग हैं। एक एक कॉन्क्रीट सजेशन एक लाइन का दीजिए जो हम ड्राफ्ट में इंक्लूड कर सकें, जो हम ड्राफ्ट में इंक्लूड कर सकें, ऐसा आपका जो अनुभव है और जो आपका अभ्यास है कि हमारे भोजन के लिए ये पॉइंट सेंटेंस उस ड्राफ्ट में जाना चाहिए। एक एक सेंटेंस भी अलग हटकर हर एक ने नया नया सेंटेंस दिया तो हमारे 7 से 6 सेंटेंस हो जाते हैं, ये हमारा उतना ही ड्राफ्ट हो जाता है। अनुमानतः ऐसा भी वैसा है वास्तव में फैक्ट है, फैक्ट को जुटलाए जा नहीं सकते, हमारे साथ स्ट्रेस हो रहा है अलग अलग है। हाँ, एग्जाम्पल के तौर पर ये बहुत अच्छा एक सजेशन आया मोहन सिंह से कि मेरिटोरियस स्कूल पंजाब का है, क्या इस तरह के स्कूल पूरे देश में क्रिएट हो, ये सजेशन बहुत अच्छा हो जाता है, इनोवेटिव भी बनता है। ये इस प्रकार का कुछ अलग हटकर हम सजेशन पूरे देश के लिए जाएगा। उत्तर प्रदेश की स्थिति से हमें एजुकेशन सिस्टम से नहीं लड़ना है, पूरे देश की स्थिति से हमें एजुकेशन सिस्टम से लड़ना है। लेबर प्रॉब्लम भी हम किसी स्टेट के विशेष को ध्यान में रख के नहीं लड़ना है, नेशनल लेवल पर हमें पॉलिसी बनाना है। आप लोगों से बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग नेशनल पॉलिसी में कंट्रीब्यूट करते रहे, इंप्लीमेंट करने में कंट्रीब्यूशन रहा है, इसलिए हम आपसे नेशनल लेवल पर सोचने और सोचकर रिजल्ट देने के बारे में रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो मेरे लिहाज से आपने एक या दो सेंटेंस मैं लिख लेता हूं ताकि मैं इसी चीज को, क्योंकि अभी कल 24 है, मैं यहाँ पर कुछ साथियों से मिलकर बैठूंगा, ड्राफ्ट तैयार करूंगा, हो सकता कि लेट नाइट या 25 तारीख को मॉर्निंग में हम यहाँ से राष्ट्रपति को, एजुकेशन मिनिस्टर को और सबको हम अपना ये सॉल्यूशन भेजें, और वो भी हम 100 से 300 वर्ड से ज्यादा नहीं लिखेंगे, एक ही पेज का ड्राफ्ट रहेगा, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा नहीं है, क्योंकि सरकार को समझाना नहीं है कि स्थिति कैसी है, स्थिति सिंपली कॉन्क्रीट दिस इज आवर सजेशन, सरकार को समझाने की जरूरत नहीं है, एलोबरेट करने की जरूरत नहीं है, सिंपली कॉन्क्रीट दिस इज आवर सजेशन, दिस इज आवर स्टैंड इनकॉर्पोरेट इन अवर एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल पॉलिसी। इस तरह का एटीट्यूड हमको चाहिए, और इस तरह से अगर कुछ चीज आप लोगों की तरफ से आती है तो हम उसको ड्राफ्ट में शामिल करने की कोशिश करेंगे। मैं सभी से चाहूंगा कि एक या दो सेंटेंस, जो क्योंकि आपका बहुत गहरा अनुभव है, मेरा अनुभव नहीं है उतना, हम आपको क्यों रिगार्ड करते हैं, बाबा साहब ने सबसे ज्यादा हायर एजुकेशन पर ही खर्च किया था, वो इसलिए कि हायर एजुकेशन में जाएगा तो बहुत बेहतरीन डिसीजन मेकिंग कर सकेगा, वो डिसीजन मेकिंग है बहुजन समाज के हित में आपका, आज आपका वो आप डिसीजन मेकर हम बहुजन समाज के हित में आपसे चाह रहे हैं। तो साथियों मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग कॉन्क्रीट सजेशन दें, हम यहाँ पर उस चीज को मैं नोट भी कर लूँ। तो अम्बेडकर साहब ये पहला तो यही लिख लो, मेरिटोरियस schools be set up for weaker sections of the society on the Punjab pattern on the basis of Punjab pattern second point is a second if it is suggestion the professor faculty in the especially in the universities इंटरस्टेट नहीं नहीं लिखने दीजिए, बोल लीजिए आप सबको, सबके माइंड वर्क करेंगे ना। प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ यूनिवर्सिटी शुड बी ऑफ द इंटरस्टेट लेवल, नॉट ऑफ द सेम स्टेट, सेम स्टेट वाले बदमाशी करते हैं वो, थोड़ा सा मैंने देखा यूनिवर्सिटीज में लो थोड़ा भाई भतीजा बात चलता है, आउट ऑफ स्टेट इंटरस्टेट मतलब एक का दूसरे में इंटरस्टेट या टू सम एक्सटेंट, एक परसेंटेज तो हो 10% 20% 40% 40% फैकल्टी शुड बी फ्रॉम इंटरस्टेट, दैट्स ऑल, दो से इंटरस्टेट।
वेरी नाइस हम इस तरह से कंक्रीट सजेशन होगा तो इनकॉर्पोरेट करने में हम आसानी होगी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आप सुन रहे थे एरवार अनम्यूट करें शारदा प्रसाद जी अच्छा 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 ओके शारदा प्रसाद जी केवल एक पॉइंट मैं स्ट्रेस करना चाहूंगा कि ऑल ओवर कंट्री रेजिडेंशियल स्कूल्स कॉलेजेस शुड बी इंट्रोड्यूस्ड फॉर वीकर सेक्शन स्टूडेंट्स विद गुड स्टाफ विद गुड कॉलेज टीचर्स एंड गुड फैसिलिटीज एज समवेयर वी हैव सीन इन साउथ इन आंध्र प्रदेश तेलंगाना दिस इज इंट्रोड्यूस्ड लॉन्ग बैक बट इट शुड बी इंट्रोड्यूस्ड टू द नेशनल लेवल फॉर SC/ST ओनली क्या कुछ और को इसको बढ़ाना है लोअर सेक्शन वीकर सेक्शन और सप्रेस्ड क्लास वी कैन से दिस इज फॉर हियर इट इज ओनली फॉर वीकर सेक्शंस ठीक ओके मखलाल जी एनी सजेशन मखलाल जी का नेट से नहीं आवाज आ रही है अनम्यूट करें मखलाल जी यस योर पॉइंट एनी पॉइंट ओके अभी करेक्ट नहीं हो पा रहा है बदावत जी मेरा कोई स्पेसिफिक नहीं भाई आई एम सॉरी ओके एवरीवन बदावन साहब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा बदावन साहब आप स्ट्रगल की बात कर रहे थे कोलैबोरेशन की बात कर रहे थे सजेशन तो आना चाहिए ना लाइव बिना सजेशन के किस बात स्ट्रगल को आप मेरे को थोड़ा सा आपने मिस इंटरप्रेट किया आपने लगता कि आपने सिलेक्टिवली उसको इंटरप्रेट किया मेरी बात मुझे करेक्ट कीजिएगा मैं ये कह रहा था आप मैं नहीं कह रहा कि कल को आप उठिए सभी लोग लड़ने चल जाइए आप मैं हमेशा से मैंने तीसरी बार आया हूं मैं हमेशा कहता हूं कोलैबोरेशन की बात करता हूं मैं कोऑर्डिनेशन की बात करता हूं हमारा भी यहाँ पे हो चुका है ऐसी बात नहीं बुद्धिजीवी हमारे यहाँ बहुत आगे ऐसी बात नहीं वी कैन फाइट वो 4 तारीख को किया तो था 4 अप्रैल को 2-3 साल पहले जो काफी डंडा दिया तैयार कर रहे हैं पार्टनर तैयार है सब तैयार बिल्कुल 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 बहुत अच्छा है मैं आई अप्रिशिएट मैं दिखा था झारखंड में नहीं दिखा था आई सॉ आदिवासी लोग हमारे से कैसे आ गए थे लोग यस इट कैन बी डन वी शुड बी होपफुल ओके ओके अयवार साहब आप सुन रहे हैं अयवार अनम्यूट करें अयवार का नेट नहीं है क्या अयवार जी बोल रहे थे कुछ बोल रहे थे अहरवार जी बोल रहे थे कुछ या बोले अहरवार जी अहरवाल तो बोल रहे थे चले गए अहरवार जी बोलिए मेरा सर ये कहना है या कि जो पॉलिसी में जो है जो ये इंस्टीट्यूशन की बात हुई है कि देखो उसमें अगर केवल गवर्नमेंट को उसमें वो क्वालिटी नहीं आ पाती है उसमें जो है उसको मतलब आप प्लीज चैट में डाल दीजिए आपका नेट नहीं कर रहा है काम आप अगर जर्नी में अगर सर टोटल अगर टोटल हम जो है सर अगर टोटल गवर्नमेंट पे छोड़ देंगे तो वो सर जो है फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं देगी ना उसमें क्वालिटी मेंटेन हो पाएगी बरोबर उसमें कुछ हस्तक्षेप जो है गवर्नमेंट के साथ साथ जो है रिसोर्स पर्सन का भी होना चाहिए जो
जो उस सेक्शन से जो है बिलोंग करते हैं। ओके मखलाल जी आप सुन रहे हैं, आपका एनी पॉइंट? हेलो जी। हाँ मेरा कोई पॉइंट नहीं, नो मोर पॉइंट। इसका डॉगी है ये भूपत सर के यहाँ सर क्या सर मैं मेरा एक की मतलब पॉइंट है, जो हमारी जॉन डबे साहब की पॉलिसी थी उसको बहुजन समाज के लिए थिंकिंग स्किल के साथ वो लागू होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गिव इनटू अ सेंटेंस, कंडेंस इनटू अ सेंटेंस। एजुकेशन ऑफ डेवलप्ड कंट्री इट्स पॉलिसी एंड विजन शुड बी इंक्लूडेड इन इंडियन एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। सर अभी डेवलप्ड कंट्री का आपने जो वर्ड यूज किया है, अब इसमें डेवलप्ड कंट्रियां तो बहुत सारी हैं, जहां कंजर्वेटिव फॉर्मिंग गवर्नमेंट है वो भी डेवलप्ड है। ओके सर, मैं इसका यूके यूएस का जिक्र कर रहा था, जापान, तीन कंट्रीज का, यूके यूएसए और जापान। ओके सर, वेनेजुएला ले लें सर, उसमें वेनेजुएला इसका एग्जांपल है, एक और ले लें वेनेजुएला। वेनेजुएला में अभी सर की पॉलिसी चल रही है जॉन डबे सर की, एडवर्ड डी बोनो की, वहां की तो अच्छी अलग ही स्टोरी है वेनेजुएला की। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि द एजुकेशन पैटर्न शुड बी एज पर जॉन डबेस थिंकिंग, लर्निंग बाय डूइंग शुड बी इंट्रोड्यूस। इस तरह भी कर सकते उनका तो बेस वही था, प्रैग्मेटिज्म है, जिसमें प्रैक्टिकल हो सके वही एजुकेशन होनी चाहिए, जिसका कोई प्रैक्टिकल नहीं संभव नहीं है दैट शुड नॉट बी देयर। वहां पे पैसे तो चल गई है वो, अगर कीड़े अगर उसने चींटी भी दिखानी है तो वो जंगल में दिखाएंगे जाके, देखो कैसे चलती है, कितनी टांगे हैं, हमारे को ड्राइंग बनाएंगे लाइक दैट। वो उस तरह का पॉलिसी तो मिल जाएगी, सब चीजें स्टडी किया होगा। मोहन सिंह जी आपने काफी उसको कंडेंस किया, अच्छा है कंडेंस, क्योंकि हमें तो पूरी उसपे बोलना ना, एक एक शब्द ही तो जाएगा, शब्द बोला बरोबर है। जॉन डबे भी आ गया, एजुकेशन पैटर्न भी आ गया और लर्निंग एंड डूइंग भी आएगा, नोइंग डूइंग बाय डूइंग, या लर्निंग बाय नोइंग एंड डूइंग वो भी आ गया। अच्छा सेंटेंस है। बाकी सर हम लोगों ने बाकी ग्रुप से भी कहा है जो नेट पे चैटिंग के माध्यम से आपके पास में, रमेश चंद जी बाकी ग्रुप के बारे में एक्सपेक्ट अभी मत कीजिए सर, एडमिन ग्रुप का जो लोग आया नहीं है सर, बात कर रहा हूं तो ठीक है, वो लोग और भी मेरे को लेट नाइट भी अगर सेंटेंस उन्होंने भेजे तो मैं उनको भी कॉर्पोरेट करने की कोशिश करूंगा। इसे हम जितने जहां से भी आएंगे, डॉक्टर सुरेश उनका ही है वो भी कंसीडर करेंगे, ये मेरे को ये पांच बेहतरीन सजेशन आए हैं इनको भी हम उसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे, और किस प्रकार से एकेडमिशियन मिलकर, हम मिलकर और एडवोकेट सारे लोग मिलकर किस तरीके से इसमें सारे के सारे हमारे इसी टर्मोलॉजी में एक्सेप्ट होंगे या नहीं होंगे ये तो मैं नहीं कह सकता, पर मैक्सिमम कॉन्सेप्ट हम उसमें इंक्लूड करेंगे एजुकेशन पॉलिसी जब हम करेंगे ना, तो मैक्सिमम उसमें हम इंक्लूड कर लेंगे, और कॉन्सेप्ट अगर इंक्लूड हो जाता है तो उसको उस चैलेंज को फेस करना हमारे लिए सरल हो जाता है, और यही चीज हम बाद में हमारी एजुकेशन होना चाहिए ऐसी, तो हम यही अपने पब्लिक के पास भी ले जा सकते हैं कि हम सरकार से ऐसी बात की थी, ये समाज को जागृति का कारण भी बन जाता है, हमारे टू बेस का सजेशन हो जाते हैं, गवर्नमेंट एज वेल एज बहुजन समाज, तो ये हमारे लिए और हमारे को दो ही भागों दो लेवल पर ही सोचना है, हम सरकार के साथ सोच के लिए क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं और समाज को क्या दे सकते हैं, ये दो ही आधार हैं, और इस दो आधार पर सारी फैकल्टी मतलब जितने भी डॉक्टर वकील इंजीनियर एडमिनिस्ट्रेटर ये सारे लोग मिलकर अगर दो एंगल से सोचे तो हम बहुत कुछ निष्कर्ष निकाल पाएंगे, क्योंकि अलग अलग माइंड से बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट निकल कर सामने आएंगे और हम मनुवाद का मुकाबला करने में समर्थ हो सकेंगे।
और इस प्रकार की जब अगर इंटेलेक्चुअल क्लास फॉर्म होती है तो बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरेंगे। अभी तो हम बहुत छोटे लेवल पर हैं, अभी अब हम 10 एलाइट लोग मतलब आज बातचीत कर रहे हैं। अगर जब हम अलग अलग सेक्टर से 100-100 एलाइट लोग डिस्कशन करके ग्रुप बना के कॉन्क्लूड कुछ लेके आएंगे किसी चीज पर, तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। और ये सारे ग्रुप जब इकट्ठे होंगे, 500 आदमी अगर कुछ अपना कंट्रीब्यूट किसी चीज को डिस्कस कर रहे होंगे, तो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होगा। हम आपको डिस्कशन करने के लिए एजुकेशनल थिंकिंग मेथड भी आप लोगों के सामने परकुलेट करेंगे कि भाई ज्यादा लोग किस तरह से कम समय में डिस्कस कर सकते हैं, और कम लोग भी किस समय कितने कम समय में डिस्कस कर सकते हैं। अभी हमारा ये सब्जेक्ट हुआ ना, एक तास हो रहा है हमारा, हम इसको मुश्किल से 15 मिनट में भी डिस्कस कर सकते थे, हम उसको और भी कम। तो वो मेथड हमारे सामने अगर और एक्सप्लेन होते गए तो हम वो चीज को भी अडॉप्ट कर सकेंगे। और आने वाले समय में मेरा है कि थिंकिंग स्किल के कुछ मॉडल आप लोगों को मिले तो अच्छा होगा। मैं इंजीनियर ग्रुप से भी बोला कि उनको भी मतलब वो भी एक क्रिएटिव माइंड है, आप लोग तो क्रिएटिव हो, डॉक्टर्स लोग तो डे टू डे क्रिएटिव रहते हैं, उनको मतलब रोजाना इलाज ही करना पड़ता है। हाँ, वकीलों का जरूर है कि वो पंजे छक्के खेलते हैं, लेकिन उनसे भी कुछ ना कुछ नई बातें निकल के सामने आएंगी। तो इसलिए हमको सभी फैकल्टी को विद ड्यू रिगार्ड करना चाहेंगे। आप लोगों ने हमें आज बहुत ही बेहतरीन और आपने माइंड दिया, मैं समझता हूँ कि आप लोग चर्चा भी इसी तरह से कीजिए। चर्चा अगर आप कुछ अपनी बात कहना चाहते हैं, कुछ और बातें, एक आप एक दूसरे के लिए नहीं है, हियर यू आर स्टैंड फॉर PBSP, एक प्रोग्राम के लिए, पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम को आप इसको ब्रांडिंग कर रहे हो, सिंपली डिजिटल ब्रांडिंग होती है ना, इसको आप एक ब्रांडिंग कर रहे हो, एक आइडेंटिटी बन रही है कि ये सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट को के लिए कॉम्पिटेंट है, इसमें पोटेंशियल फोर्स है, ये चीज आप लोग सिद्ध करो। इसलिए आप लोगों का PR अंबेडकर की आइडेंटिटी नहीं, यहाँ पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम की आइडेंटिटी, PBSP की आइडेंटिटी, हम इसको हाईलाइट करना चाहते हैं। और इसकी आइडेंटिटी सरकार में भी और समाज में दोनों जगह होना चाहिए, सरकार में भी हमारी आइडेंटिटी बढ़े और बिना प्रोपोगंडा के ठोस, और जब बिना प्रोपोगंडा के कोई बात की रिकॉग्निशन और ब्रांडिंग रिकॉग्निशन होती है तो उसमें मॉरल फोर्स बड़ी होती है। मॉरल और इंटेलेक्चुअल फोर्स जब दोनों बन जाते हैं तो वो पोटेंशियल फोर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, मॉरलिटी एंड टैलेंट। और अगर वो मॉरलिटी और टैलेंट कलेक्टिव और कॉपरेशन के साथ डेवलप होती है तो वो तो इक्विवेलेंट टू गॉड होती है, बहुत बड़ी ताकत बनती है। वो हमने अपने महापुरुषों के संघर्ष से ये सीखा है कि जहां जहां वो मॉरलिटी तो थे, टैलेंट भी थे, लेकिन जहां बड़े पैमाने पर समाज में कॉपरेशन ले आ गए, संख्या बल बढ़ा ले गए, वहां वहां वो कामयाब। तो ये तीनों चीजें एक साथ जुड़ जाएं तो हमारे समाज के लिए कुछ डायरेक्शन दे सकते हैं, उनके लिए प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं और दे विल फॉलो। समाज इंटेलेक्चुअल क्लास को ही आप आने वाले समय के हीरो, आप सारे के सारे समाज के लिए हमारे सर माथे, ये समाज बहुत बड़े तरह से रिकॉग्निशन देगा, क्योंकि अभी तक इस प्रकार से अपना टैलेंट टाइम क्रिएट करने के लिए या कंट्रीब्यूट करने के लिए लोग तैयार नहीं हुए। इसलिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। एनीबॉडी कैन नाउ अपने व्यू एक्सप्रेस कर सकता है, कुछ और भी कुछ कहना चाहें तो करें। हम लोग सर इसमें एक मेरा सजेशन ये था, जो आपके ये व्यूज जाएंगे TRP टाइप का होता है, वहां पर व्यूज भेजते हैं तो बहुत सारे लोगों के माध्यम से जाना चाहिए, भले ही कंटेंट हमारा एक ही है, वहां पर कहते हैं कितने लोगों ने किया, 5,000 ने, 5,00,000 ने, 2,00,000 ने, 10,000 ने, तो वो वैल्यू रखता है सर। व्यक्ति के नाम से नहीं जाएगा, व्यक्ति के नाम से नहीं जाएगा, ये ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाएगा, ऑर्गेनाइज ठीक रहेगा, ये सॉलिड है ऑर्गेनाइजेशन, उनकी कितनी ताकत है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, लेट देम थिंक ओवर इट। मेरा सर ये ताकत, यही कंटेंट सर अलग अलग लोगों को जाएगा तो ये इसकी स्ट्रेंथ हो जाएगी, उसको ये इस पे विचार करिए सर। वो कहते हैं कि कितने लोगों के विचार आए ऐसे, वो उस पे माने रखता, मैंने इस पे बात की थी ऐसा ना, एग्री आपके बात बताता हूं। घर में जो संगठन है उसके पीछे लाखों हैं, तो ऑटोमेटिक हो तो दिखाई पड़ रहा ना, एक इंडिविजुअल शायद उतना इंपैक्ट नहीं करेगा जो ऑर्गेनाइज करेगी। नहीं सर वो नहीं कह रहा हूं मैं, मेरा कहने का कि यही मैटर, 1,00,000 लोगों ने भेजा,
एक इवेंट एक आदमी ने भेजा, एक ग्रुप ने भेजा, वो मैं क्या? एक, अब तो एक आदमी नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप ऑफ पर्सन, लॉट ऑफ सो मेनी पीपल आर देयर। वो भी बात ऐसा है ना, हमारा विचार हम अगर व्यक्ति से भेजेंगे तो फिर वो हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा। पीबीएसपी का जाएगा, आपने अपने भेजा, अपने बेटी के भेजा, मतलब मैडम के नाम से भेजा, मैंने भेजा बेटे के नाम से भेजा, यही विचार जा रहा है, लेकिन अलग अलग लोगों का विचार इसमें आ रहा है, उसमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ये मेरा कहना है, उसमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो कॉपी हो जाएगा। नहीं चेंज करना, कॉपी हो जाएगा ना, ठीक है सर, कॉपी उसको सपोर्ट कर रहे ना, सपोर्ट तो है सर, ये आप विचार करिए सर। हम मास अप्रोच नहीं कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट की अप्रोच कर रहे हैं। पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम सरल नाम नहीं है, ये साहब के समय में बहुत कुछ उतार चढ़ाव इफेक्ट कर चुका है। महाराष्ट्र में नहीं, 9 राज्यों में इसका बहुत बड़ा इम्पेक्ट हुआ था, और शायद आपको 7 या 3 अगस्त 2003 का